मेरा नाम अंग्रेज सिंह उड़ांग, मैं जिला जनरल सैकटरी बीजेपी उप चेयरमैन सबका दलित विकास बोर्ड पंजाब। अज जो हलका विधायक हबोर तो जो विधायक ने कमलोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की किसानों ने विरोध किया है, जम के विरोध किया है, दफ्तर के अगे एक माहौल तनावपूर्ण बनया हुआ है, की कहना चाहिए? ये जो किसान है साढ़े किसान भरा नहीं विरोध कर रहे, तुम आप थले जाके देख लो, जो वक् वक् जो सियासी पार्टिया के लोग है वह विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़ा अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सी इस करके रखी गई सी, जिहड़े चार साल कैप्टन सरकार दे गुजरे है उहदे विच कैप्टन सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। देखो साढ़े सिखां दे लई, साडी पवित्रता दे लई एक गुटका साहब एक बहुत पवित्र चीज़ असीं मनदे हां, उन्होंने गुटका साहब की सौ खा के कहा सी वी मैं चार हफ्तों के नशा बंद कर दूँ, पर चार सालों के भी वो चीज़ नहीं हुई। तुसीं जमीनी पद्धर ते देखो भी की हालात है, क्योंकि मैं एक पिंड दे विच रहिंदा, मैं देखदा यह किसान भरावान का विरोध नहीं गा, यह अपोजिशन पार्टियां का विरोध है, वह अपन नाकामिया जड़ियाँ ढकन के वास्ते खास करके कैप्टन सरकार कांग्रेस सरकार लंबे समय तो कांग्रेस सरकार देश के दे अंदर पंजाब के अंदर इन्होंने राज किया, देश का कुछ नहीं सवार, सूबे का कुछ नहीं सवार, इसलिए अपने आप की जी नाकामी है उन्होंने ढकन के लिए जो कुछ कर रही है। किसानों का कहना है कि चेतावनी दी सी भी किसी भी बीजेपी के विधायक आगू अपने शहर में एंटर नहीं होता जाऊगा, पर अज की कॉन्फ्रेंस में लेकर की हालात की है? देखो जी डेमोक्रेसी हर एक बंदे नूं फर्ज है लोकतंत्र के अंदर वो अपनी गल रखे। देखो जे किसी नूं लगता है भी यह कानून गलत है तो अपनी गल कानूनन तौर पर जो डेमोक्रेटर दा हिसाब नाल जो लोकतंत्र के हिसाब दे नाल अपनी गल रख सकता है, पर इस तरह की जी गल करना इस तरह का जिहड़ा इहनूं वरतना यह कोई सिस्टम सही नहीं गा, यह लोकतंत्र की हत्या, यह जिहड़ा सिर्फ कोई लोगों के जिहड़े हैगे आ चुने हुए नुमाइंदे नूं इस तरह का उहदा बिहेव करना कि मैनूं यह लगता कोई चंगी गल नहीं गी, ये जो कुछ करा रही है कांग्रेस सरकार करा रही है, अपोजिशन पार्टियां सरकार करा रही हैं, क्योंकि आने वाले 2022 के अंदर ये कुछ भी कर लें लोग जानते हैं कि 2022 के अंदर भाजपा की सरकार आनी है। दलित समुदाय नूं सब नूं पता है कि किसान भरावान भी पता है कि जिहड़े ये कानून लागू हुए है ये किसानों के और दलितों के सब के जिहड़े हैगे है दुकानदारों के सब के पक्ष च है, इस करके विरोध कर रहे भी जब तक लोगों को यह कानून का पता लग गया तो साडा जिहड़ा हैगा वो आने वाला समा जिहड़ा खत्म है। विधायक साहब ने अज मलोड़ पहुंचना सी इस संबंधी प्रशासन ने सूचित किया सी, हां कीता, किस तरह दी कारगुजारी रही है? देखो प्रशासन मैं ये सोचता हाँ भी इन्हां ने जो है सरकार दे नाल चल रहा जो लोकतंत्र के हिसाब के नाल जो इन्हां दी जिम्मेवारी बनती सी प्रशासन की जिम्मेवारी नूं अपनी नहीं निभा रहा, इस करके प्रशासन की नाकामी है। ये इन्हों पता है भी इन्हें किस का आर्डर है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने जो MLA साहब ने जो इतने तक रोकया गया, पर असी ये पंजाब सरकार को सुनेहा देना चाहते हैं कि ये जिहड़ियां प्रेस कॉन्फ्रेंसा जड़िया राजनीतिक असी एक दल है जड़िया राजनीतिक पार्टियां गतिविधियां सरकार जी रोक नहीं सकेगी, असी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साढ़े को भी कराया करता, असी कोई इस तरह का अंजाम नहीं देना चाहते जो कानून के कोई खिलाफ हो, पर असी अपना जोड़ा है मनोबल भी डिगन नहीं देना, क्योंकि लोग साडे नाल है जनता साडे नाल है, असी 2022 सरकार बनावांगे आपकी गतिविधियां आपकी पार्टी दियां जो साडी केंद्र सरकार लोगों को दे रही है वह तो जाणू करवावांगे, जो पंजाब सरकार दियां जिहड़ियां गलत नीतियां असी उह लोकां तक लैके जावांगे, यही कारण है कि जिहड़े आ लोग साडा विरोध कर रहे। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया।